विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने ग्राम पंचायत कोरल में 5 लाख से निर्मित सामुदायिक केंद्र का लोकार्पण तथा पर्यटन विभाग से कुल देवता मंदिर ठंबा महादेव के 5 लाख से सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 2 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से उठाऊ पेयजल योजना कुरल सिहोटुब मरहू का निर्माण किया जा रहा, जिसमें टैंकों के निर्माण के अलावा पेयजल वितरण प्रणाली का सुधार करने के साथ 500 नए नल भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुरल रक्कड़ और सिहोटु में पेयजल सुधार के लिए 15 लाख रुपए से ट्यूबवेल स्थापित किया गया है और इसका लाभ आम आदमी को प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उठाऊ सिंचाई योजना कुरल के कमान क्षेत्र के विकास के लिए 1 करोड़ 20 लाख से RCC कूल का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से सजग रहने और इसके बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए 16 हल्के में सभी PHC स्तर पर कोरोना वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि कुरल हेल्थ सब सेंटर में भी वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कुरल में पंचपटी वाटिका ठंबा महादेव मंदिर में शेड बनाने को 5 लाख तथा पंचायत घर के लिए 5 लाख देने की घोषणा की। इससे पहले ग्राम पंचायत कुरल की प्रधान रजनी देवी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और पंचायत में सामुदायिक केंद्र के अतिरिक्त भवन का लोकार्पण तथा कुलदेवता मंदिर ठंबा के सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन के लिए आभार प्रकट किया। कुरल क्षेत्र में RCC कुल का निर्माण किया गया है, लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च हुआ है। उठाऊ पेयजल योजना कुरल सिहोटु व मरहू का निर्माण, टैंकों का निर्माण हो रहा है और वितरण प्रणाली जो है सारी पाइपों को बदलने का काम शुरू हो गया है। हर घर में लगभग 500 नल जो है हम हर घर में लगाएंगे। 2 करोड़ 45 लाख हर घर में हम नल लगाएंगे, ये भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। जल जीवन मिशन में और कुरल पंचायत के अंतर्गत एवं नया ट्यूबवेल लगाकर चलाया गया है। इससे कुरल सहित रक्कड़ व सिहोटू गांव का पानी की समस्या का समाधान किया गया है, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं आपके नजदीक का हूं, कभी आपको लगता होगा आप बात करते रहें, समझाते रहें और आपके मन में कभी कोई मलाल हो, उन बहनों को सामाजिक पेंशन 1,000 रुपया महीने की लगाई जाएगी। ये तोहफा 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। लाइन में सबसे पीछे हैं, चिंता है नहीं, क्योंकि कई बार बड़े बड़े लोग उस लाइन को तोड़ करके सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। लाचार की कोई सुनता नहीं, जरूरतमंद की मांग को कोई पूरा नहीं करता, इसलिए सरकार ने यह फैसला किया। 63 साल से लेकर के 69 साल की जो बहनें हैं उनको सरकार के खजाने से 1,000 रुपया महीने का पेंशन के रूप में लगाया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर जी, आपका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, आपका मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं।